हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्काउट ट्रैवल पर। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अल्ट्रा वायलेट F99 के बारे में। जैसा कि हमने अपने पिछले कल वाले वीडियो में बताया था कि EICMA में 2023 के जो टॉप 5 ब्रांड है इंडिया के, और वो अपनी कौन कौन सी बाइक लेके आने वाले, उसमें भाई ये अल्ट्रा वायलेट F99 जो थी ना, वो एकदम परफेक्ट लगी थी। मतलब थोड़ा सा हटके इसका कॉन्सेप्ट लगा था, सब कुछ डिज़ाइन वगैरह। तो इसीलिए ये इस बाइक को हमने कवर करने के लिए कल बोला था। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, और हाँ बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई ये बाइक जो है ना, सुपर बाइक टक्को टक्कर देगी, जैसे ट्राइडेंट 660 और कावासाकी का है Z900। इन दोनों बाइक को भाई ये टक्कर देने वाली है अपने देसी ब्रांड है इलेक्ट्रो। चलो शुरू करते हैं। इस बाइक के अगर स्पेसिफिकेशन या इसके इंजन वगैरह को देखते हैं, तो इसमें 90 किलोवाट की एक मस्त पावर आउटपुट देने वाली बैटरी लगी हुई है, जो कि आपको 265 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देगा। हाँ जी, आपने सही सुना, 265 किलोमीटर पर आवर। इसलिए हमने बोला कि ये ट्राइडेंट 660 और Z900 के कंपेरिजन में आ रही, ये एक इलेक्ट्रिक सुपर बाइक है भाई। हाँ जी, ये पेट्रोल वेरिएंट बिल्कुल भी नहीं है, और ये 0 से 100 आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकेंड में कवर करके दे देगी। इस बाइक में फ्रंट में आपको काउल, साइड पैनल, रियर एंड विंग स्लेट और डक्सेस सब कुछ लगे हुए हैं। साथ ही इसमें आपको विंडशील्ड और फ्रंट काउल, इसके जो डक्स है ना, ये अच्छा खासा इसके लुक को मस्त वाले प्रीमियम लुक दे रहे हैं भाई। एकदम डिफरेंट ही लग रहा था पूरा ये EICMA 2023 के। इसके डिजाइन पे, इंजीनियरिंग पे बहुत मस्त काम किया गया है, जैसा कि आपको वीडियो में ये दिख भी रही होगी। F99 के अगर फ्रेम वगैरह के बारे में देखें, तो भाई ये एक स्टील हाइब्रिड फ्रेम है। इसमें एल्युमिनियम स्विंग आर्म्स लगा हुआ है, जिस पर कार्बन फाइबर का बॉडी वर्क किया गया है। 17 इंच के पहिए आपको दोनों साइड में मिल जाएंगे, और ये मात्र 178 किलो वजन ग्राम है इसका। गोल्ड USD फॉक्स आपको मिल जाएगा, साथ में इसमें आपको मोनो सस्पेंशन का भी सेटअप मिलेगा। मैं बाकी इसके सीटिंग पोस्टर वगैरह की बात करें, तो ये पूरी की पूरी आपको सुपर बाइक वाली फील देने वाली है, क्योंकि यह बाइक पूरी तरह से रेसिंग के लिए डिजाइन की गई है। और ये बाइक आपको 2025 के आसपास ये लॉन्च हो सकता है, जो कि इसका प्राइस आपको 8 लाख के आसपास रखा जाएगा शोरूम प्राइस। भाई अगर ये आपको पावर में, स्पीड में Z900 या फिर ट्राइडेंट 660 के कंपेरिजन में मस्त लग रही थी, तो प्राइस भी उसी के आसपास होने वाले हैं। बाकी इसका वेरिएंट अभी जो F77, इसके जो पिछले मॉडल है, वो सब लॉन्च हो चुके हैं, और ये जो बाइक होगी वो हो सके तो आउट ऑफ कंट्री हो, यूरोपियन मार्केट में हो सकता है, और जैसा भी ट्रायल होगा तो ये बाद में इंडिया में आ सकता है, लेकिन अभी इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, ये होगा यूरोपियन कंट्री में। तो अगर भाई वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाइक कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भाई, क्योंकि फिर हम आने वाले हैं कल पे एक नई बाइक को लेकर। तब तक के लिए राम राम।